सो आज की सुनो फ्रेंड्स, दिखाने वाला हूँ पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक स्टेटस कैसे चेक करेंगे। आज की इस फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले। 31 मार्च से पहले पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च से पहले पहले ये काम नहीं करेंगे, आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, आपका पैन कार्ड बेकार कर दिया जाएगा, इसलिए आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करेंगे तो आपको 1000 रुपये का चलान पे करना पड़ेगा। पे होने के बाद ही तो आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा 1 से 2 रोज के अंदर में। सो आज की सुनो फ्रेंड्स, दिखाने वाला हूँ कैसे पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक स्टेटस चेक करेंगे। आज की इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को दो सब्सक्राइब कर दो, बैनल को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन से पहले देखने के लिए आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना। चलिए मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर ले रहा हूँ। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये लिख के आपको डायरेक्ट यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर नीचे में क्लिक करना पड़ेगा। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये ऑप्शन पे आपको नहीं क्लिक करना पड़ेगा। आपको थोड़ी टाइम यहाँ पे स्क्रॉल ऊपर करेंगे देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा तभी वहाँ पर इनकम टैक्स की पूरी वेबसाइट पर आप विजिट कर पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर लिंक योर आधार विद पैन कार्ड, देखिए इस पेज पर आप आ जाएंगे। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इसका अकाउंट क्रिएट करने के बाद तब ये पोर्टल पे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। अब चलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर की साइड यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना तो देखिए लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अगर लिंक नहीं करेंगे पैन कार्ड को आधार से देखिए आपको 1000 रुपये का चलान पे होना पड़ेगा। किस डेट को इससे 31 मार्च से पहले पहले ये आपको काम यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे फीस। देखिए आपका जो पैन आधार लिंक होगा 3 स्टेप में यहाँ कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देखिए लिंक करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसका देखिए नीचे में यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट करने का, पेमेंट करने के बाद तो वहाँ पर आपका लिंक हो जाएगा। चलिए कैसे स्टेटस का चेक करना वो मैं आपको दिखला देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पे रीलोड लेगा, आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बता गया देखिए लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे आ जाएंगे। देखिए अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे इस बॉक्स में, नीचे में देखिए अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे सेकंड वाले बॉक्स में, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पर बताया देगा योर पैन, यानी कि जो मेरा लिखिए फर्स्ट का 2 डिजिट नंबर यहाँ पे सो रहा, लास्ट का भी 2 डिजिट नंबर सो रहा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिंक बता, यानी कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से लिंक है। अगर लिंक नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से। जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिंक बता रहा है पैन कार्ड आधार, जो मेरा आधार का लास्ट का 2 डिजिट नंबर दिखा रहा, पैन का भी लास्ट का 2 डिजिट नंबर दिखा रहा, फर्स्ट का एंड का सारा कुछ यहाँ पे दिखा है। यानी कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे अब मुझे लिंक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आप लोग जल्दी कर ले 31 मार्च से पहले पहले, अगर आप लोगों ने लिंक करा तो उसका स्टेटस यहीं से जान सकते हैं। सो आप इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं कि वो सारी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।